नमस्कार मित्रों, YouTube में आपका स्वागत है। मित्रों, कई बार मैं अपने विवेकानुसार विषय उठाता हूं, सवाल लेता हूं और आपको जवाब देता हूं, लेकिन कई बार आपके सवाल मेरे पास आते हैं और बहुत ही रोचक होते हैं। उन्हीं में से आज मैं एक सवाल लेना चाहता हूं। आज का पहला सवाल आया है श्री मनीष जी का, ग्वालियर से। उन्होंने लिखा है कि श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने पार्टी छोड़कर क्या सही काम किया है, और क्या अब उन्होंने जो पार्टी पकड़ी है वो उनके लिए ठीक है। मनीष जी, पहली बात तो मैं राजनैतिक सवालों के जवाब नहीं देता हूं। निश्चित रूप से ज्योतिरादित्य सिंधिया एक लोकप्रिय नेता हैं। उन्होंने कांग्रेस की सरकार में बड़ा समर्थन दिखाया, समर्पण दिखाया। अब उन्होंने जो भी निर्णय लिया है वो उनका अपना निर्णय है। यद्यपि मैं व्यक्तिगत रूप से उनको नहीं जानता, हर चीज के दो पहलू होते हैं मनीष जी। अगर हम ये मान के चलें कि राजनीति सिर्फ पद के लिए है, सत्ता के लिए है, तो उन्होंने जो किया है वो बिल्कुल सही किया है। न सिर्फ सही किया है बल्कि बहुत साहस का कदम उठाया है। ऐसा कदम उठाते समय लोग हिचकते हैं, दुविधा में पड़ते हैं, लेकिन राजनीति बहुत स्पीड का काम है और सत्ता में जिसे रहना है उसे अपनी स्पीड पे नियंत्रण करना बहुत जरूरी है। राजनीति की जो लाइन है वो असल में हाईवे में गाड़ी चलानी जैसी है। तो जिसने अपनी गाड़ी धीमी कर ली, यानी अनिर्णय में पड़ गया, अनिश्चितता में पड़ गया, विल पावर की कमी है, उसकी गाड़ी लुढ़क जाती है और वो सबवे में जाते हुए खाइयों में चला जाता है। इसलिए बहुत सारे नेता जो समय समय पर बदलाव नहीं करते, परिवर्तन नहीं करते, कोई बड़ा निर्णय नहीं लेते, ऊहापोह में पड़े रहते हैं, कश्मकश में पड़े रहते हैं, राजनीति में बड़ा दुख उठाते हैं। तो एक तो काम अच्छा किया है कि निर्णय लिया। अब निर्णय सही है या गलत ये समय बताएगा, लेकिन इतना मैं बता सकता हूं कि पार्टी कोई भी सही नहीं होती। बिल्कुल सही सुना आपने, पार्टी कोई भी सही नहीं होती। पार्टी वही सही होती है जो चुनाव जीत सके, जो चुनाव जीत जाए, जो सरकार बना ले, जो लोगों को कन्विंस कर ले, बस वही पार्टी अच्छी है। इसलिए अगर लगातार आप पिछले 5 लोकसभा चुनावों के परिणामों को देखें तो आप समझ जाएंगे कि जिन पार्टियों ने सरकार बनाई और जिन वादों के साथ सरकार बनाई वो कभी पूरे नहीं कर सकी, और इसलिए कोई भी पार्टी सदा राज्य नहीं कर सकी, सदैव सरकार में नहीं रह सकी। ये हम सबका अनुभव है। लेकिन जब आप किसी पार्टी में रहते हैं, बहुत सारे लोग आपको जानते हैं, आप निरंतर उसकी प्रशंसा करते हैं, उसके सिद्धांतों की बात करते हैं, उसका बचाव करते हैं, उससे आपकी आत्मा तक उसकी छाप पहुंच जाती है, उस पार्टी की, उन सिद्धांतों की, उन लोगों की, उस तरह के लोगों की जो आपकी प्रशंसा करते हैं, आपके उन गुणों के लिए जो आप अपने में दिखाते थे। लेकिन जैसे ही आप पार्टी बदलते हैं और एक लंबे समय के बाद, एक दशक के बाद, तो ये आसान नहीं होता। सबसे पहले तो आप स्वयं को कन्विंस नहीं कर पाते। एक जोश में, एक उमंग में,
निर्णय तो ले लिए जाते हैं, लेकिन जो अनुभव में आया है, सबसे पहले तो खुद को कन्विंस करें, फिर उन लोगों को कन्विंस करें जो आपके प्रशंसक थे, सहयोगी थे, टीम थी, कार्यकर्ता थे। और ये बड़ा लंबा काम है, जीवन छोटा पड़ जाता है इन सबको कन्विंस करने के लिए। और कई बार ऐसा होता है कि जिस पार्टी में आप जाते हैं ये उम्मीद लेकर कि आपको वहां वो सब मिलेगा जो पहले नहीं मिला, और वहां सैकड़ों की भीड़ है आप जैसे लोगों की जिन्हें आज तक वो चीजें नहीं मिली जिनकी उम्मीद लगाकर आप आए हैं, तो कुछ समय बाद बड़ा अवसाद महसूस होता है। और ऐसी घटनाओं को कई बार कितना भी ग्लैमराइज किया जाए, लेकिन सच ये है कि वहां जो लोग हैं उन्हें कितना समय लगेगा कन्विंस होने में कि आप उनके हैं। और यह निश्चित रूप से तात्कालिक रूप से एक अच्छा कदम है, लेकिन अगर इसे ऐतिहासिक रूप से देखा जाए तो ऐसे कदमों की कभी प्रशंसा नहीं हुई है इतिहास में भी। लेकिन इसके बावजूद लोग ये कदम उठाते हैं और उठाने चाहिए, क्योंकि जीवन उनका है और निर्णय भी उन्हीं का होना चाहिए। इतना ध्यान और प्रेम से सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।